हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का मैथ एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल जीरो। यहाँ पर हमारा क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q को कुछ भी रख सकते हैं, केवल Q को जीरो नहीं रखेंगे। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। यहां पर आंसर होगा इसका हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। इन्होंने बोला है पी और क्यू हमारे पूर्णांक है, क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहां पर हम पी बराबर जीरो ले लेते हैं और क्यू बराबर ये पूर्णांक है, तो जीरो को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं। 1, 3, 5, माइनस के 5, माइनस के 7, 10, कुछ भी, यानी इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर हम। तो हम इसके जैसे यहाँ पर लिख देते हैं संख्या, क्या क्या परिमेय संख्या बन सकती है हमारी, जैसे P अपॉन Q। तो P की जगह हमने 0 ले लिया और अपॉन में हमारा 1 आ जाएगा, कोमा 0 अपॉन 7 लिख सकते हैं, 0 अपॉन माइनस के 5 लिख सकते हैं, डॉट डॉट। हम यहाँ पर इनफाइनाइट संख्या बना सकते हैं, इसका आंसर यही होगा। इसी प्रकार आपको एग्जाम में करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर अगर 3 होता तो 3 में 1 जोड़ लेते 4 हो जाता, तो हम उसका फॉर्मूला अलग होता है। उस टाइप के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक ही संख्या ज्ञात करनी है तो a प्लस बी करना है, अपॉन में 2 रखना है। यहाँ पर a और b क्या है हमारा, a पहली संख्या होगी और b दूसरी संख्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पहले का, यहाँ पर a मैंने 1 अपॉन 4 को रखा प्लस b 1 अपॉन 3 और अपॉन में 2। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इनका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 4 अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन में 12। अगर इसके बेटे में हम 1 मानते हैं और जब हम भिन्नों की भाग करते हैं तो ये संख्या पलट जाती है और चिन्ह आया था गुणा का। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, तो ये हमारा हो जाएगा 7 अपॉन 24। ये ही इसका आंसर है। अब चलते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सेकेंड का आंसर, यहां पर ए की जगह हमें रखना है 3 अपॉन 8 प्लस बी की जगह रखना है 2 अपॉन 5 और अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 40 और इसकी गुणा इधर करते हैं 5 से 15 प्लस 8 दूनी 16 और अपॉन में हमारा 2 चल गया है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 31 बटे ये 2 की मल्टीपल हमारी इधर हो जाएगी इस प्रकार, तो ये हो जाएगा हमारा 80। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड को मैं यहां पर कर देता हूं, तो यहां पर थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा, यहां पर इसको 3 अपॉन 4 को a मान लिया प्लस यहां पर माइनस के 2 अपॉन 5 को b और अपॉन में 2। इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। इनका एलसीएम 20 आ गया है। अब यहां पर 4 5 20 होते हैं तो ये 5 किया 15 तो माइनस के 15 और ये चिन्ह भी माइनस का आएगा हमारा, और 4 2 8 अपॉन में हमारा 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के हमारा 23 और अपॉन में आ जाएगा 40। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़कर ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर 6 प्लस 1 बराबर 7, 7 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर 3 दिया है, 3 के बटे में 1 ले लेंगे ताकि ये परिमेय संख्या हो जाए और ऊपर नीचे 7 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारे 7 का 21 बटे 7। उसी प्रकार हम इसको भी लिख लेते हैं 4 को भी,
तो 4 के बटे में भी 1 ले लेते हैं और ऊपर नीचे 7 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये हमारी 7 चौक 28 बटे 7। तो अब यहाँ इनके बीच हम 6 परिमेय संख्या लिख देते हैं, इनके बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो ये संख्या लेनी नहीं है, इससे अगली संख्या लेंगे तो हम ये हो जाएगा 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7 और यहां पर 26 बटे 7, 27 बटे 7। ये हमने इनके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 4थे नंबर का, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर 5 निकालनी है तो 5 + 1 = 6, 6 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमें परिमेय संख्या दी गई है तो उनके हमारे हर समान होने चाहिए, अगर समान नहीं है तो पहले उनके हम हर समान कर लेंगे, पर इस क्वेश्चन में हमें हर समान दिए हैं तो इसको आसान होगा करना। तो ये संख्या दी गई है 3/5, तो ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 6 * 18 / 30। दूसरी संख्या है 4/5 और इसके भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीपल कर देंगे, अंश और हर में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 * 24/30। तो इनके बीच हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी, 5, तो इनके बीच हम 5 परिमेय संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक हो जाएगी हमारी 19/30, दूसरी 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमने इसके बीच 5 परिमेय संख्या फाइंड कर दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का दिया है, -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 निकालनी है तो 4 + 1 = 5, 5 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं, -5/1, ऊपर भी 5 से मल्टीपल और नीचे भी 5 से मल्टीपल, यानी अंश में ही 5 से मल्टीपल और हर में भी 5 से मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -25 और बटे में आ जाएगा 5। उसी प्रकार इसको लिख लेते हैं -6/1, अंश और हर में 5 से मल्टीपल, ये हो जाएगा हमारा -30/5। इनके बीच हम 4 परिमेय संख्या लिख देते हैं, ये संख्या हमारी बड़ी है क्योंकि ये माइनस में और ये छोटी है, जो बड़ी होती है माइनस में वो छोटी होती है दरअसल, तो इसलिए ये वाली संख्या हमारी बड़ी है ये छोटी है, तो इसके बीच हम 4 परिमेय संख्या लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे -29/5 और -28/5, -27/5 और -26/5। ये हमने इनके बीच 4 परिमेय संख्या निकाल दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें, 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच हमें 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर मैं 0.00 लिख दूं तब भी ये 0 है, और इसको हम लिख सकते हैं 0.10, ये भी हमारे मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। अब इनके बीच में हमें 9 परिमेय संख्या फाइंड करनी है, तो देखो यहाँ पर 0 है 0.00 और यहाँ पर 0.10 है, यानी कि इसको 0.10 समझे इसको 0 समझे, तो इनके बीच में वैसे भी हमारी 0.09 संख्या आ रही है, उन्हीं को हम लिख देते हैं। तो इनके बीच जो संख्या होगी हमारी 9 परिमेय संख्या होगी, एक होगी हमारी 0.01, दूसरी होगी 0.02, तीसरी 0.03, चौथी 0.04, 0.05 और 0.06, 0.07, 0.08 और 0.09। ये हमने इनके बीच 9 परिमेय संख्या लिख दी, पर परिमेय संख्या लिखनी है तो इनके लिए इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में हमारा 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि ये संख्या हमारी हो जाएगी, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1/10। वो कैसे होगी यहाँ पर देख लीजिए, 0.01 है, इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जितने अंकों बाद पॉइंट होता है उतने 0 लग जाते हैं, 100, तो इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम 2/100। अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/50। इसको लिखते हैं हम 3/100, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 4/100, ये कट जाएगा हमारा, तो इसका आंसर होगा 4 * 4 और 25 * 4 = 100। इसको सॉल्व करते हैं, 5/100
इसे भी काट सकते हैं हम, 1/20। ये देख लीजिए एक संख्या, ये 1, 2, 3, 4, 5, और इसके बाद है हमारा 6/100। तो आप इनको काट लीजिए, आंसर आप किताब में मैच कर जाएगा। 7/100, यहां पर 8/100, 9/100, यहां पर इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 3/50, ये 7/100 ही रहेगा। 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, और 4 × 25 = 100, ये 9/100। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने इनके बीच 9 परिमेय संख्या फाइंड कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये थोड़ा मिटन गया है, इसको लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हमें इनका उत्तर देना है कारण के साथ। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसने पूछा कि प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारी, वो पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, तो इसे सत्य असत्य में बताना। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होती हैं, ये 1 से स्टार्ट होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या में हमारा 0 भी आ जाता है, तो ये 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन डॉट इनफाइनाइट, तो ये संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, तो इसका आंसर होगा हमारा सत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमारी ये 0, 1, 2, 3 होती है, पर यहाँ पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। माइनस में इनफाइनाइट तक होते हैं और प्लस में भी इनफाइनाइट तक होते हैं। और ये मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या हमारी ये लिख रही है, ये होती है। क्या ये माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती है, यानी पूर्ण संख्या धनात्मक होती है और पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और 0 भी होता है, तो इसका आंसर होगा असत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे नंबर का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, परिमेय संख्या जो होती है हमारी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके, तो हम इसको जैसे 5/9 है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, या माइनस के 3/7 है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, प्लस में होती है और ये काउंटिंग कर सके, जिनकी काउंटिंग कर सके, इनकी काउंटिंग ये भिन्न के रूप में लिखी जाती है, तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं होंगी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, असत्य। तो ये हमने इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इसमें एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन थे और ये 2-3 क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा थे अदर बुक में। तो आपको गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 का सोल्यूशन करेंगे।